Hey guys, welcome back to my YouTube channel. और finally हम लोग आ गए हैं अजमेर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हम लोग जाएंगे पुष्कर. So get ready for the grand celebration of होली. So हम भी इस होली का पार्ट बनते 2023 2K23 इसका पार्ट बनते और आपको भी इसका पार्ट बनवाते हैं जी. ऑफ फॉर द बेस्ट. और हम लोग यहाँ से, मेरा फ्रेंड आ चुका है तो उसके साथ में निकलते हैं अभी पुष्कर की तरफ. सो स्टे ट्यून्ड. इतना क्लीन इस अजमेर रेलवे स्टेशन को कभी नहीं देखा. मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग है. ये सच में बात की है, अच्छा काम किया है रेलवे ने. सो विश यू अ हैप्पी लोहड़ी. फाइनली हम लोग पुष्कर वाली पाइप में एंटर कर चुके हैं ब्रो. सो हम लोग फाइनली पुष्कर पहुंच चुके हैं और सामने जो सनसेट का व्यू हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. निकलेंगे क्राउड की तरफ और देखते हैं अभी अच्छा सा सनसेट इंजॉय होगा. हम लोग अभी बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग मेरी वीडियो. सो कीप इट अप. मैं भी कंटिन्यू करता हूँ और आप. बाय. वालों ने रोका था, इनका चेक पॉइंट था सो ताकि कोई ड्रिंक वगैरह तो नहीं कर रहा है. सो गाइस प्लीज अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम मत करना अगर आप लोग पुष्कर में हो तो. सो फाइनली हम लोग ऑन द वे हैं और विद इन 2 मिनट्स वी ऑन अराइव. गाइस उसका शो शुरू हो चुका है और हम लोग लेट हो गए. सो जल्दी से रश करते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे. और भीड़ आप क्राउड देख ही सकते हो, क्राउड बहुत सही है, इंजॉय करते हैं. गाइस हम लोग आ चुके हैं मेला ग्राउंड में और क्या वाइब है. हरिहरन जी के शो के बाद अब टाइम था
पुष्कर सरोवर पे वॉक करने का, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना सही मोमेंट था ये। लग रहा था कि बस इसी की खामोशी को सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। और फिर फाइनली कुछ खाने का टाइम था और हम लोग पहुंच गए सीधा लाफा फलाफल वाले पे। मींस इससे बेस्ट कुछ होना ही नहीं था हमारे साथ, क्योंकि ये बहुत सही था इस टाइम पे, इस जगह पे और ये चीज़, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस जगह की है। अब वो पल था जिसको पर्सनली मैं बहुत मिस कर रहा था, वो था वाराघाट पे लोग और डांस, जो इस रात को मेमोरेबल बनाने के लिए काफ़ी थे। अब मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में नए रंग की होली के साथ।